नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका सुनील स्वागत करता हूं दृष्टि लाइव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हाजिर हूं आपके आगे आज रात का 9 बजे का मुद्दा लेके। आज का मुद्दा जो है उसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो है, क्यों सिर्फ 2 साल की ही सजा होती है ट्रांसजेंडर के साथ क्राइम करने पर, जबकि सिसजेंडर के साथ क्राइम करने पर 7 साल की सजा हो जाती है। हाल ही में एक ट्रांसजेंडर बिल 2019 19 जो है वो राज्यसभा ने पारित किया है, तो उस बिल के बारे में आपको मैं डिटेल डिस्कशन देने वाला हूं। क्या है ये बिल, क्यों इसके खिलाफ इतनी रोक लगाई जा रही है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति इस बिल को पास ना करे, क्या डिटेल है, क्यों इतना रोष प्रदर्शन है, LGBTQ जो है ये कम्युनिटी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म्स पूछा जाता है कई बार, अक्सर डिटेल डिस्कशन आता है, यूपीएससी LGBTQ के बारे में पूछ लेता है। सो ये सब कुछ हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये किसी की पर्सनल भावना को आहत करने के लिए वीडियोज नहीं बनाई जा रही है, ये केवल आपको डिटेल डिस्कशन या थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए बनाई गई एक छोटा सा हिस्सा या मेरा प्रयास है। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है आप अपने केवल पॉजिटिव कमेंट्स के साथ मुझे बता सकते हैं, या अपनी राय दे सकते हैं पर इन पॉजिटिव वे में। किसी को गाली गलौज या किसी को बुरा कहना ये आपका डिसरिस्पेक्ट ऑफ लॉ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर आप पढ़ाते पढ़ाते बीच में हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते, तो मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं टॉपिक के साथ अंगेज हो जाता हूँ प्यारे बच्चों, मैं टॉपिक को एक तरीके से अंगेज होके रेगुलर होके पढ़ाता हूँ, इस करके मैं बीच में स्क्रीन ऑन स्क्रीन पे देख देख के बार बार जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। और आपके सभी के कमेंट है मैं देख लेता हूँ, आप अपने कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा मुझे आपको कैसा लग रहा है, पॉइंट टू पॉइंट बताते रहिएगा, मैं बिल्कुल वीडियो के बाद में जरूर देखूंगा। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो पहली स्लाइड है आज की वो क्या है, इस पूरे बिल का नाम है वो क्या है आपका सबसे पहला, तो इस बिल का नाम है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019। इस पूरे बिल का जो नाम है आपको वो ही याद रखना है, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019, यानी कि ट्रांसजेंडर के जो राइट है यानी कि जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल जो है ये पारित किया गया है। अभी ये बिल वैसे तो देखा जाए तो 2014 से शुरू हो रहा है आपका, तो पहले 2014 में आया, फिर थोड़ी देर टाइम बाद में 15 में भी आया, फिर 16 में भी आया, फिर 17 में भी आया था आपका, फिर 18 में भी आया, यानी कि हर साल ये चलता रहा था। लेकिन फाइनली ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका कब, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जुलाई 19 जुलाई 2019 को। इसे लोकसभा ने पास किया था 5 अगस्त 2019 को, और ये राज्यसभा में भी हाल ही में पास हुआ है आपका 26 नवंबर 2019 को। अब ये फाइनली राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है बस, बाकी आपका ये बिल जो है ये पारित हो जाएगा आपका। राज्यसभा इस बिल को, अगर राज्यसभा ने इसने बिल पास कर दिया, कब पास कर दिया, सिलेक्ट कमेटी के बिना ही इस बिल को पास कर दिया। एक मुद्दा जो है यहाँ पे वो भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट हो रहा है, लोगों के बीच में ट्रॉल कर रहा है कि ये सिलेक्ट कमेटी के पास में जाए के बिना ही ये जो है ये पास कर दिया। सिलेक्ट कमेटी अपर हाउस वाज डिफेटेड, जो एक बेसिकली क्या होता है कि लोकसभा में पास होने के बाद में एक सिलेक्ट कमेटी होती है, उसमें ये मुद्दा डिस्कस किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा पास किया करती है, लेकिन ये सिलेक्ट कमेटी में गया ही नहीं, उससे पहले ही राज्यसभा ने इसे पास कर दिया। तो ये बिल जो है ये बिल कहता क्या है आपका, हमें ये सीखना है। बिल बेसिकली कहे ये रहा है आपका कि जो ट्रांसजेंडर है उनके जो सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल एनपावरमेंट जो है उनके लिए बिल आया है, उनके समाज के, उनके सामाजिक गतिविधियों के लिए, उनके इकोनॉमिक के लिए, उनके एजुकेशनल के लिए, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए जो ये बिल है बेसिकली बेसिकली उनके हक में ही है बिल। लेकिन कुछ एक ही चीजें जो है वो यहाँ पे गलत है या उनके थोड़े से भेदभाव टाइप से है, इस वजह से जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि इसे अभी पास ना करे, थोड़े से जितने चेंजेस पूरे हो जाएं फिर इसे पास करे फाइनली। जो ट्रांसजेंडर के जो आपके मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपका मेन जो मुद्दा है आपका दशकों से डिमांड हो रही थी, ट्रांसजेंडर जो थे आपके ये दशकों से कई सालों से डिमांड कर रहे थे कि हमारे साथ में समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है और ये बिल जो है वो पास होना ही चाहिए, और फाइनली अब ये वो घड़ी आ चुकी है जब ट्रांसजेंडर के लिए जो बिल है वो पास हो रहा है आपका। लेकिन मैं आपको जो बात बताता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे आपका ट्रांसजेंडर है इसका मीनिंग क्या होता है या ट्रांसजेंडर खुद आपका क्या होता है,
ये यहाँ पे हमें समझना जो बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे कंफ्यूजन आपको जो क्रिएट होता है, मैं आपको दो या तीन टर्म्स में कंफ्यूजन है। सबसे पहली बात तो देखिएगा, ट्रांसजेंडर या किन्नर जो है ये एक टाइप का बायोलॉजिकल डिजीज है आपका, जिसे आप लोग जेनेटिकल डिजीज से डिफाइन करते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, क्लिन फिल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली क्लिन फिल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें होता क्या है, मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है एक्चुअल में। जो मेल कैंडिडेट है आपका, मेल कैंडिडेट है उसके अंदर 22 क्रोमोसोम होते हैं आपके, वो होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट है उस सॉरी मेल कैंडिडेट के अंदर 22 क्रोमोसोम तो एक्स एक्स है, लेकिन 23वां क्रोमोसोम जो होता है वो होता है एक्स वाई। जब आपका ये दोनों किसी तरीके से मिल पाते हैं, ठीक है, मेल के अंदर तो ये हो गया, फीमेल के अंदर आपके 22 क्या होते हैं, आपके 22 क्रोमोजोम उसके अंदर एक्स एक्स होते हैं, और 23वां क्रोमोजोम भी फीमेल के अंदर एक्स वाई सॉरी एक्स एक्स ही होता है। तो फीमेल के अंदर तो हर बार आपका एक्स एक्स ही होगा, लेकिन मेल के अंदर सेक्स क्रोमोजोम जो है वो आपका एक एक्स वाई होता है। जब एक सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है, एक इंटीमेसी होती है, उस दौरान क्या होता है आपका, जब किसी भी तरीके से एक जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद में होता क्या है, ये डिजीज हमेशा हमेशा मेल कैंडिडेट्स के अंदर होगी। आप हमेशा याद रखना, ये जो डिजीज है हमेशा हमेशा किसके अंदर होगी, मेल कैंडिडेट में होगी। मेल कैंडिडेट में होने में क्या होगा कि जब एक्स एक्स क्रोमोजोम है मेल में 22, तो और 23वां है आपका एक्स वाई, लेकिन किसी भी जेनेटिकल इश्यू की वजह से या कोई हार्मोनिक डिसबैलेंस की वजह से एक एक्स और आ जाएगा, और ये क्रोमोजोम इसके पास में हो जाएंगे आपके। पहले तो कितने थे आपके, 40 थे, लेकिन अब प्लस एक और हो गया तो टोटल हो गया आपके 47 क्रोमोजोम। एक बात आप याद रखिएगा, हमारे अंदर टोटल 46 ही गुणसूत्र होने चाहिए। अगर 46 से अगर एक ज्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम है, 46 से अगर एक कम होता है तो भी एक प्रॉब्लम है। 40 से अगर एक ज्यादा होता है तो इसे हम लोग क्लिन फिल्टर सिंड्रोम का नाम देते हैं, और 40 से अगर कम होता है तो इसे हम टर्नर सिंड्रोम का नाम देते हैं। टर्नर बेसिकली इसमें होता है, लेकिन क्लिन फिल्टर सिंड्रोम जो है केवल मेल्स में होता है। अब देखिएगा इसमें हुआ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। ये पर्सन जो है डबल एक्स और वाई वाला बना आपका। डबल एक्स किसको शो कर रहा है, डबल एक्स शो कर रहा है आपका फीमेल्स को, लेकिन जो एक्स वाई है वो किसको शो कर रहा है, ये मेल को शो कर रहा है। तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं ये क्या होते हैं आपके, होते तो ये मेल हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर सिम्टम जो है वो फीमेल्स वाले आते हैं। ट्रांसजेंडर बेसिकली क्या होते हैं, पैदा तो होते हैं आपके एज ए मेल, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो इनका जो इंटरेस्ट है वो टुवार्ड्स फीमेल जैसा, या इनके खुद के अंदर जो फीलिंग है वो ऐसी आने लग जाती है कि मतलब मैं फीमेल हूं, या मुझे फीमेल वाली चीजें ज्यादा पसंद है। ये होते तो आदमी है, लेकिन ये कपड़े पहनना फीमेल जैसा पसंद करेंगे, फीमेल कम्युनिटी में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप कभी इन पे हंसिएगा मत, ये एक बायोलॉजिकल डिजीज है। देखिएगा डिजीज किसी में भी हो सकती है, बाकी डिजीज जो है वो ठीक हो सकती है, भी सर्दी खांसी जुकाम जैसी एक बीमारी है, बस ये बीमारी ऐसी है कि ठीक नहीं हो सकती, या जेनेटिकल डिजीज है, यूं कह दीजिएगा आप लोग। कभी भी ऐसे समुदाय पे हंसना नहीं चाहिए, ये अपमान है, किसी के कमी पे नहीं हंसना चाहिए। ये कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके अंदर बेसिकली एक डिजीज है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये किसी के अंदर भी हो सकता है, ये बेसिक खांसी जुकाम जैसी ही डिजीज मान के चलिएगा, ये ठीक हो सकती है, वो ठीक नहीं होती है। तो करके तो मेरा एक तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों पे आपको हंसना नहीं चाहिए, ऐसा बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। अच्छा सर, आपके आगे ये दो टर्म है, क्या टर्म है, एक तो आपकी जो है वो है सिस जेंडर और एक है ट्रांसजेंडर। देखिएगा सिस दो रूट है आपके, बता देता हूं, एक तो होता है आपका CIS सिस और एक आपका होता है ट्रांस, ठीक है। दोनों ही लैटिन वर्ड है, आप लोगों ने जो है साइंस वगैरह के अंदर कई बार जाना भी होगा इसको। एक का मतलब होता है आपका दिस साइड और एक का मतलब होता है आपका दैट साइड, मतलब एक तो इस पार एक उस पार आपका। तो कहने का मतलब सिस जेंडर वो होते हैं आपके जो कि पैदा होते हैं, जैसे मेल पैदा हुए तो बड़े होने के साथ साथ भी सिम्टम भी उनके मेल मेल के ही आते जाते हैं। अगर फीमेल पैदा हुई है तो सिम्टम भी धीरे धीरे उसके फीमेल के ही रहेंगे, मतलब लाइफ टाइम एक ही प्रकार का ही उनके अंदर सिम्टम रहेगा आपका। लेकिन जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो पैदा तो एज ए मेल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिम्टम उनके फीमेल्स के हो सकते हैं। ये ट्रांसजेंडर फीमेल के अंदर भी हो सकता है, पैदा वो फीमेल होएगी लेकिन हो सकता है आपका वो धीरे धीरे उसके मेल वाले लक्षण आए। मैंने तो केवल आपको ट्रांसजेंडर एक क्लिन फिल्टर सिंड्रोम बताया जो केवल मेल में होता है,
उसमें फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होगा, जिसमें 46 गुणसूत्र होंगे आपके। इसमें क्या होता है, एक्स एक्स जो होता है एक एक्स जीरो हो जाता है, तो एक्स जीरो बनेगा आपका, होगी तो वो फीमेल, लेकिन इनकी हाइट ग्रोथ कर जाएगी, दाढ़ी मूंछ या बॉडी पे बाल वगैरह जो बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके। तो ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर में डिफरेंस आप लोगों को जानना चाहिए। सिसजेंडर नॉर्मल, जो मेल पैदा हुए तो मेल ही रहेंगे आगे जाकर, फीमेल है तो फीमेल ही इंटरेस्ट रहेगा। बट ट्रांसजेंडर जिस भी आपके जेंडर में पैदा हुए हैं, जैसे भी जननांग है, लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होते नजर आएंगे उन्हें, जैसे जैसे वो बड़े होंगे आपके। चलिएगा, तो ट्रांसजेंडर वुमेन लिव्स एज अ वुमेन टुडे बट वाज थ्रोट टू बी मेड व्हेन वाज बॉर्न। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं आपको अभी समझा ही दिया है। हाईलाइट ऑफ द बिल, इस बिल का जो है आपका बेसिकली वो हाईलाइट क्या है, बिल क्या कहना चाह रहा है हमारा, तो ये बिल कहना ये चाह रहा है, बिल ने पहले तो डेफिनेशन दी है आपकी, डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसजेंडर पर्सन, ये डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई है, वही डेफिनेशन है। द बिल डिफाइन अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन हूज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइंड अ बर्थ, जो बर्थ के साथ में सेम जेंडर असाइन ना करे वही ट्रांसजेंडर होता है। इट इंक्लूडेड ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन पर्सन विद द इंटरसेक्स वेरिएशन। यहां एक वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, कि इसमें ट्रांस मैन, मैन भी हो सकते हैं, मैन पैदा होगा लेकिन आगे इंटरेस्ट फीमेल जैसे, लेकिन वो वुमेन पैदा होगी, हो सकता है आगे इंटरेस्ट मैन जैसे। एक वर्ड यहां पे इंटरसेक्स लिखा हुआ है आपका, इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है आपका, ये बायोलॉजिकली कोई इंटरसेक्स जो है कोई वर्ड नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन ये पैदा होते जननांग से ही डिफाइन नहीं होता कि ये मेल है कि फीमेल है। बेसिकली कई प्रकार की प्रजाति है सोशलो कल्चर में डिफाइन करते हैं, जिन्हें किन्नर या हिजरा समुदाय से कहते हैं। आप यू मत समझिएगा कि हर हिजरा ट्रांसजेंडर के अंदर हो, मतलब हर हिजरा ट्रांसजेंडर के अंदर हो सकता है, लेकिन हर ट्रांसजेंडर हिजरा नहीं होता है, ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा। हर हिजरा कम्युनिटी जो है आपकी, किन्नर कम्युनिटी है, वो ट्रांसजेंडर के अंदर बिलोंग कर सकती है आपकी, लेकिन हर ट्रांसजेंडर किन्नर कम्युनिटी में बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे एक वर्ड मैंने और भी लिखा है, जेंडर क्वीरीज भी लिखा है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से आगे बता दूंगा। चलिए अगली बात जो हमें जाननी है इसके अंदर, कि ये जो बिल है जो है आपका प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये बिल जो है इस पे रोक जो है वो क्यों, मतलब इस बिल में क्या पारित किया गया है, कहना क्या चाहता है ये बिल, क्या कहना चाह रहा था सरकार ने इसके अंदर, क्या जो है वो पारित किया है। तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर के हित की बात हो रही है इस बिल के अंदर, कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको पढ़ाई करने देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन संस्थाओं में उनका एक टाइप का आपका पढ़ाई करने के लिए उनका हक होना चाहिए। जर्नली पढ़ने नहीं आते क्योंकि लोग इन पे हंसते हैं, समाज हंसता है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनको जॉब के लिए भी हक होना चाहिए, हेल्थ केयर से रिलेटेड भी इनकी बातें जो होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। एंजॉयमेंट फॉर गुड्स, वस्तुओं का उपयोग करके फैसिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, पर पब्लिक प्लेस पे जाके जैसे हम लोग नॉर्मली पर्सन जो है खा लेते हैं, पी लेते हैं, घूम लेते हैं, तो ट्रांसजेंडर को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो घूम सके, फिर सके, एनवायरमेंट में नॉर्मली मूवी सिनेमा पब्लिक चीजों पर घूम सके। राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम है उनको घूमने की, उनको ऐसे फ्रीडम होनी चाहिए। राइट टू रिसाइड रेंट और अदरवाइज ऑक्यूपाई आपकी प्रॉपर्टी, तो ये सारी बातें कही गई है उन्हें, पब्लिक प्लेस पे जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सरपंच वगैरह के ऐसे पदों पे खड़े हो सकते हैं, मेयर वगैरह के इलेक्शन लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री है किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए उन्हें अधिकार है, कैसा भी वो एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल में, किसी जैसे सिनेमा हॉल्स में गए, पब्लिक प्लेस पे कहीं पिज्जा है जैसे खाने के लिए या कोई बर्गर है वगैरह, पब्लिक प्लेस पे जाने का उनका अधिकार होना चाहिए, ये इस बिल में जो है ये कहा गया है आपका, ठीक है। अच्छा एक बात और है, रेजिडेंस के लिए भी बात की गई है, उनका परमानेंट रेजिडेंस। देखिए क्या होता है जर्नली, ऐसा बच्चा जिसके घर पैदा होता है तो उसे जनरली क्या होता है, घर से निकाल दिया जाता है या घर से निकाल दिया जाता है और फिर उसे एक आपका किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडर जो आपकी फैमिली है उसके अंदर उसे इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन ये बिल क्या कह रहा है कि जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं होता तब तक उसे घर में रहने का अधिकार है, या अगर उसके माँ बाप मना करते हैं, उसके गार्डियंस मना करते हैं, तो उस सरकार की तरफ से का जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है उस सेंटर के अंदर उन्हें रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके नियम होने चाहिए, ऐसा भी बिल है, लगभग तो उसे इंक्लूडेड इन हिज हाउस, घर में ही रहे वो, लेकिन अगर घर में नहीं, वैसे तो लोग क्या है समाज में ताना मारते हैं ये गलत है, फिर ये अब जो है ये बिल में ऐसा ही कहा गया, कोई ऐसा ताना मारता करता है तो गलत है, बस उसको अधिकार है, तो उसके माँ बाप को है, अगर माँ बाप भी संरक्षक भी उसे नहीं रखना चाहते तो उसे एक सरकार के द्वारा सेंटर स्थापित किया है उस सेंटर में भेज दिया जाना चाहिए, सरकार वहां पे उसकी रक्षा करे, ठीक है।
अच्छा, हेल्थ केयर से रिलेटेड भी बात है इस बिल में। ये भी कहा गया है आपका एक कि उनके जैसे एचआईवी से रिलेटेड आपका इशू आता है या कोई और भी आपकी प्रॉब्लम रहती है, मेनली जो सबसे बड़ी बीमारी है आपकी जो एचआईवी वाली डिजीज है आपकी, तो एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है उनकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज। सर इसका मतलब क्या, ये वर्ड आजकल काफी पॉपुलर है। जनरली आपने सुना होगा कि कोई मेल होता है वो फीमेल बन जाता है, फीमेल होती है वो मेल बन जाते हैं, सेक्स रीअसाइनमेंट। एक्चुअल में इंडिया में बहुत कम है इसके सेंटर, लेकिन दुनिया में इसके सेंटर्स हैं। अभी ओवरऑल भी कह रहा हूं थोड़े कम है सेंटर, लेकिन फिर भी सेंटर्स तो हैं आपके इसके। लेकिन इनके लिए स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट ऐसा करे, इस बिल में ऐसा कहा गया है कि देखिए क्या होता है ट्रांसजेंडर का, मतलब मैंने ये नहीं कहा है मतलब इंटरसेक्स वाला कहा है ना मैंने, कि उनके बचपन से ही जन्म से ही जननांग में ही इश्यू है या वो है ही नहीं जननांग, तो देखो मतलब एक इश्यू हो सकता है। लेकिन जैसे वो पैदा तो मेल हुआ है लेकिन धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट एज अ फीमेल गया है, लेकिन पैदा फीमेल हुई है या धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट एज अ मेल आया है, तो ऐसों के लिए जो ऐसे जो पर्सन है उनके लिए सेक्स असाइनमेंट आपका है या सेक्स रीअसाइनमेंट जो है वो होना चाहिए, ऐसी सर्जरीज होनी चाहिए आपकी, तो उनको या कोई आपका जननांग में इश्यू है तो भी उनकी सेक्स रीअसाइनमेंट हो सकता है। तो ऐसे सरकार को सेंटर स्थापित करने चाहिए, हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटीज लानी चाहिए। इस बिल के अंदर ये बात भी जो है वो कही गई है स्पेशली। और इसके अंदर क्या बात कही गई है आपकी कि इस भी ट्रांसजेंडर साबित कैसा होगा, साबित कैसे होगा कि भी ये ट्रांसजेंडर है, तो इसके लिए क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड बना के देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड बना के देगा कि ये जो है ये ट्रांसजेंडर है। यहां पे भी एक बड़ा मुद्दा था, यहां पे भी रोष करने का कारण है आपका। वेलफेयर मेजर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसके अंदर आपका जो वेलफेयर है गवर्नमेंट जो है आपका वो क्या मेजर करना चाह रहा है आपका, तो इसके अंदर यही मेजर करना चाह रहा है भी उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज है वेलफेयर, यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, समाज में वो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सके, पार्टिसिपेट कर सके कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, अपनी खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। उनके थोड़ा उनके लिए इतना लोग सेंसिटिव क्यों होते हैं ऐसा कहा गया है आपका, कि लोग मतलब जैसे ट्रांसजेंडर का नाम आता है अक्सर आप लोगों ने भी समाज में देखा होगा कि जब भी कोई ट्रांसजेंडर या केयर की बात आती है तो लोग हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। अब एक बात बताइए, क्या उनका कसूर है वास्तव में इसमें? उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, ये तो एक बायोलॉजिकल हुआ ना, पैदा होने से पहले उनमें क्या हुआ कि एक्स एक्स क्रोमोज एक्स वाई क्रोमोजोम के साथ में एक एक्स एक्स और आ गया या एक एक्स हट गया, बायोलॉजिकल डिसबैलेंस हुआ ना, डिजीज तो किसी भी हो सकती है, तो ऐसा पता ही नहीं करना चाहिए, ऐसा हंसना गलत है आपका, ठीक है। इनका भी अपना एक समुदाय होता है। अब क्या है कि जुर्म क्या है, अगर ट्रांसजेंडर जो है ट्रांसजेंडर के खिलाफ कोई आवाज मतलब इनको कोई ऐसा करता है, इनको तंग करता है, तो इनके लिए जुर्म क्या है, मतलब या क्या क्या हो सकता है? देखो सरकार की तरफ से और क्या है आपका कि बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, फोर्स और बाउंड्री पर आप उन्हें मतलब पकड़ के ऐसे नहीं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, बंधुआ मजदूरी करवाना गलत है आपका। पब्लिक प्लेस पे इनका आप मजाक नहीं उड़ा सकते, इनको आप लोग ऐसे क्या कहते हैं, इनको अपमानित नहीं कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस जाने की इनकी एंट्री है, खुद का इनको घर से नहीं निकाल सकते, इनके घर से नहीं निकाल सकते या गांव से नहीं निकाल सकते या किसी भी तरीके से फिजिकली सेक्सुअली वर्बली इमोशनली इकोनॉमिक इस तरीके से किसी भी तरीके से इन्हें अब्यूज नहीं कर सकते भी, फिजिकली करना हो, सेक्सुअली हो, वर्बली हो, इमोशनली हो, इकोनॉमिक हो, इस तरीके से इन्हें अब्यूज नहीं करना, ये गलत है। और आपके पेनल्टीज फॉर दीज ऑफेंसेस वेरी बिटवीन 6 मंथ टू 2 ईयर एंड अ फाइन। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, पेलेंटी क्या कहा है इन्होंने कि जो पेलेंटी क्या हो सकती है ऐसे जुर्म करने पे आपका 6 महीने से 2 साल तक की जो है वो सजा हो सकती है और के साथ में इसके लिए फाइन या जुर्माना भी हो सकता है। ये एक बात है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, 2 साल तक की सजा या 6 महीने तक का 6 महीने से 2 साल तक की सजा या जुर्माना भी साथ के साथ हो सकता है। के साथ साथ इस बिल में ये भी बात की गई है आपकी कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, एक नेशनल काउंसिल ट्रांसजेंडर पर्सन यानी कि एनसीटी बनाया जाएगा। इस एनसीटी में जो है वो शामिल कौन कौन होंगे सर? तो इस एनसीटी में शामिल होंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, के इसके चेयरपर्सन होंगे,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस वाइस चेयरमैन ये भी आपके होने वाले हैं, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ये भी इसमें शामिल है, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा फ्रॉम मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग हेल्थ हो, होम अफेयर्स हो और ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। भाई इतने सारे मिनिस्टर जो है इसके अंदर शामिल होंगे। के अलावा नीति आयोग जो है इसका भी एक मिनिस्टर जो एक मंत्री है आपका नीति आयोग भी इसमें शामिल होगा, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसकी तरफ से एक सदस्य होगा। स्टेट गवर्नमेंट विल बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, राज्य की तरफ से भी कोई एक सदस्य होगा। 5 मेंबर होंगे इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ही होंगे, और 5 एक्सपर्ट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ होते हैं आपके एनजीओ, जैसे आपका रेडक्रॉस एक एनजीओ है, ऐसे 5 एक्सपर्ट होंगे आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के आपके। तो जो काउंसिल है विल बी एडवाइज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज, इसमें लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी होने वाली है, और अगर ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है, तो उन्होंने ग्रीवियंस ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन कहा है, इसका मतलब ये कि ऐसा कोई नहीं होता तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई उठाई जाए या किसी भी सदस्य को बताया जाए, भाई अगर कोई ट्रांसजेंडर का अपमान कर रहा है, पब्लिकली अपमान कर रहा है, कोई उसको सोशली अब्यूज कर रहा है, फिजिकली अब्यूज कर रहा है, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, किसी भी तरीके से उसे तंग कर रहा है, ठीक है, और अगर कोई ऐसा मतलब इतना सारा चीजें इतने सारे कमेटी बिठा ली फिर भी कोई की सुनवाई नहीं हो रहा, तो इसके से सख्त कदम उठाना चाहिए, इनमें से किसी भी सदस्य को रिपोर्ट करना भी जरूरी होगा। फिर अब ये जो बिल आए हैं इसके लिए जो है स्टॉप ट्रांसजेंडर बिल कम्युनिटी एक्टिविटीज से इट जो है हमारे जो राइट्स हैं उनको रोकने के लिए हमारे राइट्स है उनका हनन हो रहा है। ये ट्रांसजेंडर बिल जो है उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि श्रीमान राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, ये बिल को पास ना कीजिएगा क्योंकि इसमें वो सारी बातें नहीं है जो लोग हम चाह रहे हैं, ये बिल जो है रुकना ही चाहिए आपका। अब क्या है ये बिल क्यों रुकना चाहिए, एलजीबीटी कम्युनिटी मना कर रही है कि एलजीबीटी कम्युनिटी ये कह रही है बिल रुकना चाहिए, कारण क्या है, मैं कारण बताता हूं, पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोगों के लिए, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और बाकी किसी भी एग्जाम्स के लिए भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म है आपका लेस्बियन, L4G4 Gay, B4 Bisexual, सॉरी प्यारे बच्चों, उसके बाद में ट्रांसजेंडर, और उसके बाद में क्वीर। अब लेस्बियन वो होता है जो फीमेल 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 है बट फीमेल के टुवर्ड ही अट्रैक्शन हो, गे वो होता है आपका जो मेल है पर मेल के टुवर्ड ही अट्रैक्शन हो, बाइसेक्सुअल मतलब होता है उनका दोनों की तरफ ही अट्रैक्शन होता है, और क्वीर जो होता है वो बाकी बाकी जितनी भी आपकी क्वालिटी बच चुकी है आपके, जैसे ऑल नॉन हेट्रोसेक्सुअल्स आपके, देखो हेट्रोसेक्सुअल्स का मतलब ये होता है ये मेल या फीमेल किसी भी तरफ आपके जो है इनका झुकाव हो सकता है, और सिसजेंडर भी है आपके, मतलब जो ये तो कैटेगरी होगी आपकी सारी की सारी, ट्रांस लेस्बियन फीमेल फीमेल, गे मेल मेल, बाइसेक्सुअल दोनों, ट्रांसजेंडर मैंने बताया पैदा तो मेल हुआ लेकिन लक्षण बाद में फीमेल के, या पैदा फीमेल हुई लक्षण बाद में मेल के, इनसे हटके जो भी आपकी अगर बच चुकी है कम्युनिटी तो वो आपकी क्वीर के अंदर ही आपकी शामिल हो चुकी है। तो एलजीबीटीक्यू जो है इसका फुल फॉर्म आपको आना ही चाहिए। अब ड्रॉबैक ऑफ द बिल, इस बिल की कमियां क्या है, किस वजह से इसे रोक लगाई जा रही है, क्यों मना कर रहे हैं, क्यों इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, इतना प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ा जो आपका ये खिलाफ जो चल रहे हैं आपका कि आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं, ठीक है। नालसा जजमेंट ये कहती थी कि भाई आईडी कार्ड देखिएगा, इनका ये कहना है कि अगर हमसे आईडी कार्ड बनवाते हैं तो ये हमारा एक बेसिकली हरासमेंट होगा, ये कम्युनिटी का बेसिकली हरासमेंट ही होने वाला है। हरासमेंट का मतलब देखिएगा, हरासमेंट ऑफ द कम्युनिटी होगा, क्योंकि डिफाइन कैसे करोगे आप तो कि ये एक ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो उसको फिजिकली ही चेकआउट करना पड़ेगा, अगर फिजिकली चेकआउट करते हैं हॉस्पिटल मेडिकल कहीं पे भी तो हो सकता है उनका हरासमेंट होगा, लोग उन पे हंसेंगे। तो ये बिल में ऐसी ताकत होनी चाहिए या ट्रांसजेंडर में उसकी बात में इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि वो कह दे कि मैं चाहिए कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है, ये जजमेंट होना चाहिए। तो पहली सबसे बड़ी जो कमी है कि आईडी कार्ड बनवा रहे हैं तो उस पे उसका जो है जजमेंट कैसे मेडिकल हॉस्पिटल से अगर करते हैं तो इस बात पे जो है हम लोग राजी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा सोशली जो है वो शोषण ही होता है या लोग हम पे हंसते ही है, और ये बात ठीक भी है आपकी। दूसरी बात ये है कि इनकी पनिशमेंट जो है आपकी वो 2 साल की है। आज का मेरा जो मेनली ये वीडियो बनाने का कारण जो था या एक मेन क्या कहते हैं हेडिंग या टाइटल जो कहूंगा वो यही था,
कि नॉर्मल सेक्टर के साथ में, नॉर्मल कम्युनिटी के साथ में अगर रेप वगैरह का केस होता है तो उसके लिए सजा 7 साल होती है। ये मैंने आपको शायद रिसेंटली पिछले ही दिन पढ़ाया था कि नॉर्मल रेप के लिए सजा 7 साल या बढ़ा के 10 साल तक जा सकती है। लेकिन जो आपके ट्रांसजेंडर है इनके लिए पनिशमेंट जो है, इनपे कोई क्राइम करता है तो उस क्रिमिनल को सजा 2 ही साल क्यों है, ये भेदभाव क्यों है? सबसे बड़ा तो ये जो है इनका प्रदर्शन करने का कारण है। और बात भी ठीक है, ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? और एक बात और बता दूं, हमारी जो इंडियन पिनल कोड है यानी कि जो आईपीसी है, आईपीसी में ये बकायदा कहा हुआ है कि 3 साल से कम की कोई भी सजा होती है वो बेलेबल होती है आपकी, उनको बेल दिलाई जा सकती है आपकी, जो भी आपकी लेस देन 3 ईयर होती है उनमें बेल हो सकती है। तो फिर ऐसी कोई फायदा भी नहीं होगा। इसे क्या होगा, जो मतलब लोग भीख वगैरह मांगते हैं, ठीक है, उनके तरफ भी क्राइम वगैरह, एक इस बिल में ये भी कमी है कि जो इनसे अक्सर लोग भीख मंगवाते हैं फिर वहां पे क्राइम बढ़ता है बहुत ज्यादा, उन्हें सोशली तंग करते हैं, अब्यूज करते हैं आपका, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एजुकेशन के लिए आपने कह तो दिया कि उनको एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन कहाँ पे है, ये तो एक सबसे बड़ी कमी है। अभी इनका रिजर्वेशन कोटा तो रखा जाए ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा तो रखा जाए ना, रिजर्वेशन में हर जगह रिजर्व मांग रहे हैं, एटलीस्ट जॉब के लिए छोड़िएगा लेकिन एजुकेशन के लिए तो थोड़ा कोटा होना चाहिए ना, ताकि यहाँ ये पढ़ने ही, फिर तो सिर्फ यही पढ़ने आए या थोड़ा सा हो जाता है आपका सोचली कि एडमिशन होगा, वरना स्कूल में ऐसा भी कह दिया जाता है कि ना हमारी तो सीटें फुल हो चुकी है ना हमको नहीं लेंगे। लोग पता नहीं क्यों इनको इस तरीके से नजरिए से गलत देख रहे हैं, ठीक है, है तो ये भी इंसान ही। अभी जैसा कि मैं कई देर से कह रहा हूं कि ये तो एक डिजीज हो सकती है आपकी, तो ये एक बात है आपकी। दूसरी बात ये है कि इनको जब आपका ये 18 साल तक अगर ये घर रहना चाहते हैं तो रहने दिया जाए, और अगर इनसे 18 साल तक से पहले इन्हें घर से लेके जाया जाता है तो सरकार को इनको निगरानी में रखना चाहिए, एक वो सेंटर है वो निगरानी में ही होना चाहिए आपका इनका सेंटर। तो ये बात आपको याद रखनी थी। आज के वीडियो का डिटेल डिस्कशन इतना ही था आपका, आज के वीडियो का मुद्दा यही था कि राज्यसभा में हाल ही में एक बिल पारित हुआ है किसके अकॉर्डिंग, ट्रांसजेंडर बिल 2019, कब हुआ ये तारीख आपको याद रहनी चाहिए, क्या क्या थी मैंने आपको सारा समझाया। आपके पॉजिटिव रिव्यूज क्या है, क्या कहता है आपका मन, फिर पॉजिटिव रिव्यूज प्लीज, आप किसी के खिलाफ किसी के लिए बुरा बोलना या किसी को हंसी मजाक उड़ाना ऐसे कमेंट्स प्लीज स्पेशली मेरी वीडियो पे ना करें आप लोग, और मैं तो किसी के भी ना करें, किसी को गाली गलौज करना, किसी को बुरा कहना सच में गलत होता है, किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें, ठीक है, हमेशा हमें अपने ही काम से मतलब रखना चाहिए, हंसना मुस्कुराना चाहिए। किसी का अगर आप बुरा कर रहे हैं तो देखिएगा उसका फल हमेशा बुरा ही रहता है, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप बुरा करने की तो सोचिएगा ही मत, तो अपनी जुबान ही गंदी होती है उसमें, तो आप अपने सिर्फ पॉजिटिव मत रखिएगा, आपका मन क्या क्या कहता है डिटेल डिस्कशन, डिटेल कमेंट लिख के बता सकते हैं, अच्छे अच्छे विचार लिख सकते हैं आप लोग, अपने वीडियोस को लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों, शेयर कीजिएगा, सभी को राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, गुड नाइट, आराम से सो जाइएगा, सुबह 5 बजे फिर मिलते हैं हम लोग करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।